नोवेल कोरोना वायरस जो आज पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है। इस महामारी के कारण पूरे विश्व में भयानक स्थिति बनी हुई है। विश्व के अधिकतम देशों में इस महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इस संक्रमण को रोकने के लिए नियमित समय पर हाथ धोना, मास्क पहनना और एक दूसरे से कम एक मीटर दूरी बनाए रखने की सलाह दी है, ताकि इस महामारी से किसी दूसरे में संचलित ना हो सके। रिपोर्ट के अनुसार आज पूरे विश्व में 488,000 लोग इस महामारी से संक्रमित हैं और 22,000 से अधिक लोगों की इससे मौत भी हुई है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत भी इस महामारी से अछूता नहीं है। भारत में अब तक 661 मरीज इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। तो वहीं हरदोई की बात करें तो हरदोई में भी लॉकडाउन घोषित है। हालांकि हरदोई में अभी तक कोई ऐसा मरीज पॉजिटिव नहीं मिला है, लेकिन फिर भी जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन सख्ती से मुस्तैद है और लगातार लोगों को सड़कों पर निकलने से मना किया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है। पुलिस 24 घंटे सड़कों पर खड़ी लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन हरदोई के शहरवासी हैं जो इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है और वो एक ना एक बहाना करके सड़कों पर टहलते नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं, आइए सुनिए कैसे हैं हरदोई के हालात। बताओ ये बताओ, तुम्हें क्या बताया नहीं गया है कुछ कि मास्क लगाएं या तुम्हें कोरोना नहीं हो सकता क्या? लेकिन हम तो आपको देख रहे हैं, आप तो बिना मास्क के ही टहल रहे हैं आप, और आप बिना सुरक्षा के बाहर टहल रहे हैं। आपको कोई डर नहीं लग रहा, ना ही आपके परिवार की आपको चिंता है कोई? कुछ तो शर्म करिए, पूरा देश परेशान है और आप खुलेआम घूम रहे हैं। अब क्या करें, ड्यूटी जाने पड़ेगा। ड्यूटी जाइए, खूब जाइए, लेकिन उसके जो सावधानियां बरतने के लिए बोला गया वो तो करिए। अभी हमने उतारा पूरा, चढ़ा रहा था, अभी मैं इसको उतारो ना, इसको लगा के चलो भैया, जहाँ से चलो वहीं इसको, जब जरूरत है साइकिल पर तब तुम उतार के चलो। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इनके मास्क तो इनकी जेब में है, वो मास्क जेब में ही रख के चल रहे हैं। इनको ना अपनी चिंता है ना अपने परिवार की चिंता है। ये देखिए, एक बाइक पे दो आदमी भी मना है, लेकिन ये एक के साथ में तीन तीन बैठे हुए हैं। ये हरदोई के हालात हैं। आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है, लगातार पुलिसकर्मी इनको समझा रहे हैं कि भैया एक बाइक पे एक ही लोग चलिए, लेकिन ये लोग हैं कि सुधरने का नाम लेना ही इनको अच्छा ही नहीं लग रहा कि आप सुधरें भी। भैया आपको अपनी सुरक्षा नहीं, कम से कम बच्चों को तो ध्यान रखिए। अरे वो सही अच्छी बात है, लेकिन एक बाइक पे सिंगल आदमी चलेगा, आदेश हो चुका है, आप तीन तीन लिए, वो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ तो ध्यान दीजिए इन लोगों का। ये देख सकते हैं, ये हालात है हरदोई के। दूसरा दिन है लॉकडाउन का, लगातार सबको समझाया जा रहा है, पुलिस लगी हुई है 24 घंटे इन लोगों को यही बताने के लिए पुलिसकर्मी खड़े हैं कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें, कैसे रहें ये भी बताया जा रहा है, लेकिन इन लोगों का है कि इन लोग समझने को ही तैयार नहीं है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो कैसे हम लोग कोरोना से लड़ेंगे, कैसे बचाव करेंगे? दुकानें बंद हैं, लेकिन जिन लोगों को घर में रहना चाहिए वो लोग खुलेआम सड़कों पर टहल रहे हैं। किचन पिच चौराहे से लाइव तस्वीरें हैं, ये देख सकते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो कब तक पुलिसकर्मी रोडों पे खड़े रहेंगे, कब तक लोगों को समझाएंगे? शाम का टाइम है, पूरा दिन बीत गया यही समझाते समझाते, लेकिन शाम तक भी कोई मानने को तैयार नहीं। जिधर आप रोड पे देखेंगे उधर आपको कोई ना कोई जाता ही दिखाई पड़ेगा। ये देखिए महिलाएं आ रही हैं। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने भी आदेश कर दिया, उन्होंने सारी लेटर जारी कर दिया कि अगर आपको कोई ज़रूरत का सामान चाहिए है तो आप उन नंबरों पे कॉल करिए, अगर आपके पास कोई नहीं आता है तो हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है कि आप हेल्पलाइन से भी इस मदद मांग सकते हैं, लेकिन अपने घरों में सुरक्षित रहें। लेकिन हरदोई की जनता है जो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ये देख सकते हैं, क्या पुलिस का काम यही है कि लोग आती ही रहे, लेकिन जो लोग हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये भाई साहब आए हुए हैं, इनके पास बाइक है लेकिन हेलमेट नहीं है, ना ही इनके पास रुमाल है, ना ही मास्क है। चाचा कहाँ से कहाँ जा रहे हैं भैया? हम बावन चुंगी जा रहे हैं। क्या आपको कुछ पता नहीं है कोरोना क्या है?
मालूम हाथ जोड़ने से नहीं है, अगर आपके हाथ किसके सामने जोड़ेंगे, अगर आपको कोई लक्षण हो जाता है कोरोना का, किसके आगे हाथ जोड़ेंगे? कुछ तो शर्म करो, कुछ तो, इतना सब हो रहा है, इतना प्रचार हो रहा है, कुछ तो उस पर देखो, ध्यान दो। कहने से नहीं होगा, अगर एक बार हो गया तो जिंदगी या गमछा लपेट लो, अस्पताल में ही बीत जाएगी। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो सामने आते हैं तो हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर इनका वही रवैया होता है और खुलेआम फिर सड़कों पर टहलते नजर आते हैं। तस्वीर देखकर ही आप अंदाज लगा सकते हैं किस तरीके से हरदोई के लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। क्या पुलिसकर्मी इंसान नहीं है? वो खुद अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर लोगों को एक ही बात केवल समझा रहे हैं कि आप अपने घरों में रहें, जो भी चीज़ की ज़रूरत है आपको दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, वो आपके घर तक सुविधा पहुँचाने की भी जहमत उठा रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि वो मानने को तैयार ही नहीं हैं। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कैसे इस महामारी से